ये कहानी मैं एक 35 साल की औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। उस समय मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और मैं उस समय एक मॉल में गई हुई थी शॉपिंग करने के लिए। वो मॉल मेरे घर से थोड़ा दूर था, लेकिन वो काफी अच्छा मॉल था और उधर के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा मस्त थी। मैं उधर अपने मिनी ट्रक से आई थी। मेरा वो ट्रक उस मॉल के पार्किंग एरिया में पार्क था, लेकिन वो पार्किंग एरिया उस मॉल से थोड़ी दूरी पे था, तो मैं उधर बढ़ने लगी। उस समय काफी देर हो चुकी थी और उस जगह पे काफी सन्नाटा था। तभी थोड़ी दूर बढ़ने पे मैंने एक चीज नोटिस की। मेरी थोड़ी दूरी पे एक आदमी खड़ा था और वो मेरी तरफ ही देख रहा था। वो उस जगह के बीच में खड़ा हुआ था और वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे इग्नोर करके वहां से चली जाऊंगी, एंड मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। तभी मैंने देखा कि दो और आदमी उस जगह से पास हुए, लेकिन उस आदमी ने उन दोनों लोगों की तरफ देखा तक नहीं, उसकी नजरें मेरे पे थी। तभी उसके कदम मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं उस समय काफी डर गई थी, लेकिन मैं आगे ही बढ़ने लगी। मैं थोड़ा सा ही चली थी कि तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, मैम मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं उधर रुकी और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा। देन मैंने उस आदमी से कहा कि उसे क्या मदद चाहिए। मेरे पूछने के बाद वो थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसने मुझसे कहा कि उसकी कार खराब हो गई है, उसके कार की बैटरी डाउन हो गई है, तो इसलिए क्या मैं उसे लिफ्ट दे सकती हूँ। वेल, मैं एकदम स्टूपिड नहीं थी और ना ही मैं इतनी काइंड थी। जस्ट पहले ही दो आदमी इस आदमी के पास से गुजरे थे, तो ये उनसे मदद मांग सकता था। और साथ में मैं उस समय 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो मैं अपने बेबी को किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहती थी। वो आदमी मुझे घूरने लगा। मैंने उसे कह दिया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। जब मैंने उससे ये कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तब उसके एक्सप्रेशंस अचानक से चेंज हो गए। खैर, मैंने इस पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया और मैं जल्दी से वहां से जाने लगी। वो आदमी उसी जगह पे खड़ा था, लेकिन तभी वो मुझे फॉलो करने लगा। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, मैंने अपने कदम बहुत ही ज्यादा तेज कर दिए। जब मैंने इस चीज को नोटिस किया कि वो आदमी मेरा पीछा करने वाला है, प्लीज मेरी मदद करो, तभी अचानक से मुझे मेरे कान में वो आवाज सुनाई दी। वो आदमी एकदम से मेरे बहुत ही पास आ गया था। मैं उस पर चिल्लाने लगी कि दूर हो जाओ मेरे से। मैं जल्दी से अपने ट्रक के पास गई और जल्दी से ट्रक में बैठ के खुद को लॉक कर दिया। वो आदमी बहुत ही तेजी से भागते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरी हार्ट बीट उस समय बहुत ही ज्यादा तेज हो रही थी। मैं जल्दी से उस ट्रक को चालू करना चाहती थी, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, जिस वजह से वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वो आदमी उस विंडो पे आ गया। वो बहुत ही जोर जोर से उस विंडो को प्रेस कर रहा था और कह रहा था कि दरवाजा खोलो। उसके बाद वो काफी जोर जोर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। मैं उससे चिल्ला के कह रही थी कि तुम जाओ यहाँ से, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। वो कहने लगा कि तुम दरवाजा खोलो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। मुझे उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मेरा दिमाग उस समय एक पैनिक मोड में चला गया था और कुछ भी मुझे सूझ ही नहीं रहा था। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैंने अपने ट्रक में एक रिवॉल्वर रखी हुई है। मुझे जैसे ही याद आया, मैंने धीरे से अपना हाथ उस रिवॉल्वर की तरफ बढ़ाया और उसे धीरे से निकाल लिया बिना उस आदमी को यह पता लगवाए। और अचानक से मैंने अपने ट्रक के विंडो को खोला और अपने रिवॉल्वर उसकी डायरेक्शन में कर दी। वो आदमी एकदम से सुन्न पड़ गया। मैंने उससे कहा कि देखो मुझे अकेला छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें यहीं पे शूट कर दूंगी। मैं ये देख सकती थी कि इस सडन मूव से वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर गया था। ऑफकोर्स उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मेरे पास एक गन है। मैंने उससे कहा कि जल्दी से मेरे ट्रक से अपना हाथ हटाओ और अपने कदम पीछे लो। उस आदमी ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो अपने कदम पीछे लेने लगा और फिर वो वहां से भाग गया। मैंने उस समय चैन की सांस ली। उस समय मेरी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो रखी थी। वो रिवॉल्वर मैंने अपने ट्रक में काफी पहले रखी थी, जिस वजह से मुझे उसके बारे में याद नहीं आ रहा था। अगर मुझे उस मोमेंट पे मेरे गन के बारे में याद नहीं आता, तब मैं सोच भी नहीं सकती कि आखिर वो आदमी मेरे साथ क्या करता। और उस दिन के बाद से मैं अपने पास हमेशा ही अपनी गन रखती हूँ, ताकि अगर मेरे साथ फिर से ऐसा कुछ हो तो मैं उस चीज के लिए प्रिपेयर रहूं।